हिमाचल में 48 घंटे बाद मानसून रफ्तार पकड़ने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के कई इलाकों में भारी बरसात का अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि सोमवार और मंगलवार को इलाकों में हल्की बरसात की ही संभावना है। लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़ 10 जिलों में सोमवार को आंधी और भारी बरसात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आगामी 4 दिन के दौरान भारी बरसात की संभावना भी जताई है। तो मानसून सक्रिय होने वाला है, मानसून एक्टिव होगा, आने वाले दिनों में बरसात तेज होने वाली है और अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एडवाइजरी भी अलग अलग इलाकों की स्थिति के आधार पर जारी की गई है और आने वाले समय में संभावना ये है कि आज तो कुछ कम होगा, ओवरऑल रेनफॉल एक्टिविटी कम होगा मानसून का। कल भी लग रहा है कि थोड़ा कम होगा, लेकिन उसके बाद फिर से बढ़ेगा, क्योंकि मानसून जो सर्दी में आता है, जैसे बारिश हो गया उसके बाद अगर 2 दिन बारिश होता है तो उसके बाद 1-2 दिन का टाइम होता है, फिर से पिकअप करता है मानसून। तो अभी अगले 4 से 5 दिन की बात की जाए तो उसमें आज और कल तो थोड़ा कम है, फिर बढ़ेगा सब्सिक्वेंट 48 आवर्स में, और फिर उसके बाद फिर कम है, फिर तो अगले 4 से 5 दिनों में बीच बीच में स्कैटर टू फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल है और 1-2 जगह पे हैवी रेनफॉल भी होने की संभावना है और आने वाले। चलो हिमाचल आपको लिए चलते हैं, शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ अनुमान लगाया गया आपके मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से और आज की ही बात करें तो किस तरह का मौसम, क्या अपडेट? बिल्कुल ज्योति, देखिए अगर मौसम विज्ञान केंद्र की बात करें तो उनकी तरफ से चेतावनी जो है वो जारी की गई है। 15 जुलाई तक की ये चेतावनी जारी की गई है कि भारी बारिश हो सकती है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में। हालांकि अभी कुछ देर पहले ही जो मौसम विज्ञान केंद्र है उसकी तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें ये भी कहा गया है कि आज यानी आज और 15 तारीख को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। ये भी जो है एक नई अपडेट जो है यहाँ पर मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से दी गई है। हालांकि शिमला की बात करें तो कुछ देर पहले तक यहाँ पर धुंध छाई रही, पूरी तरह से शिमला धुंध के आगोश में था, बारिश भी हुई और उसके बाद अब बारिश रुक चुकी है, बादल हालांकि छाए हुए हैं और बीच बीच में हल्की हल्की धूप भी निकल रही है। तो मिला जुला सा मौसम हम कह सकते हैं कि इस वक्त शिमला का यहाँ बना हुआ है, लेकिन दिन के समय रोज देखा जाता है कि धुंध जो वो काफी ज्यादा यहाँ शिमला में है और उसका असर ये रहता है कि विजिबिलिटी कम हो जाती है, सड़कों में जो वाहन लेकर चलते हैं उनके लिए वो कहीं ना कहीं जो है खतरा रहता है कि इस ज्यादा धुंध में कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए निर्देश दिए गए हैं कि फॉग लाइट ऑन करके ही वाहन जो है चलाएं ताकि सामने से आ रहे वाहन का पता चल सके। और अच्छा प्रदीप, देखिए पहाड़ी राज्य के नाते कहीं बारिश हो रही है, उफान पर है, कहीं बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है, रास्ते बाधित हो जाते हैं, ऐसे में प्रशासन के सामने और स्थानीय लोगों के सामने किस तरह की चुनौती रहती है? बिल्कुल, देखिए प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती उस मार्ग को बहाल करना रहती है। अगर शिमला की बात करें, हिमाचल के अलग अलग इलाकों की बात करें तो कुछ एक ज्यादा जगह पर लैंडस्लाइड भी हुआ है। हालांकि लोक निर्माण विभाग और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को ये निर्देश पहले से ही थे कि वो जैसे ही कहीं लैंडस्लाइड होता है तो अपनी मशीनरी भेजकर रोड क्लियरेंस का काम करें। हालांकि अब तक जो भूस्खलन हुआ है, बारिश के कारण बाढ़ आई है और बाकी जो बांध फटने की घटनाएं हुई है उसमें राजस्व से जुड़ा भी नुकसान हुआ है, तो कुल कर जो हिमाचल प्रदेश का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उनको जो जानकारी मिली है 93 करोड़ रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है। यानी कुछ दिन की बारिश हुई है और नुकसान जो है 100 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है। 29 जून से हिमाचल में मानसून एक्टिव हुआ था तो उसको मानसून सीजन माना जाएगा कि उसकी शुरुआत हुई थी, तो अब तक 66 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है जिसमें सीधे भूस्खलन की वजह से भी हुई है, कुछ हादसे हुए हैं, सड़क हादसे हुए हैं, उनको भी मानसून सीजन के अंतर्गत जो मृत्यु होती है उसमें ही उनको जोड़ा जाता है। तो कुल मिलाकर 66 लोगों की मृत्यु इस अब तक के मानसून सीजन में हो चुकी है। तो परेशानियां जरूर आम लोगों के लिए है और खासतौर पर उस दौरान जब हिमाचल में इस वक्त फलों का सीजन भी शुरू हो चुका है, अर्ली सेब आना शुरू हो गया है, प्लम का सीजन इस वक्त चला है, बाकी जो स्टोन फ्रूट्स हैं उनका सीजन चला हुआ है, उसमें तुड़ान जो है कहीं ना कहीं इस बारिश की वजह से प्रभावित हो रहा है और उससे रेट भी प्रभावित हो रहे हैं, मार्केट में अच्छे रेट बागवानों को नहीं मिल पा रहे हैं। बिल्कुल, तो एक तरफ मानसून के आने से मौसम सुहाना हुआ है, सैलानी भी बड़ी संख्या में हिमाचल का रुख कर रहे हैं, तो कई
तरह की चुनौतियां और परेशानियां भी प्रशासन के सामने हैं, लोगों के सामने हैं। बहुत शुक्रिया प्रदीप, पूरी जानकारी आपने दी और विस्तार से बताया कि मौसम का मिजाज क्या कुछ है, अलर्ट क्या जारी किया गया है प्रशासन की ओर से, ये भी हमारे शिमला ब्यूरो आपको जानकारी दे रहे थे। तो येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, 91 सड़कें और 67 ट्रांसफार्मर बंद हैं। हर तरह से आप जानते हैं कि बरसात बाधित करती है बहुत सारी चीजों को, रोजमर्रा के जो काम है उन्हें भी और प्रभावित करती है। जो पहाड़ी राज्य हैं उनके सामने तुलनात्मक रूप से ज्यादा परेशानी है।